नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना और ब्लैक फंगस के बाद अब दिल्ली में डेंगू कहर बरपाने की तैयारी में है। नगर निगम ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो डराने वाले हैं। एक सप्ताह के भीतर दिल्ली में डेंगू के 4 नए मामले सामने आए। डेंगू के मामले पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब तक यहां पर 25 मामले सामने आ चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार जनवरी से लेकर मई तक जितने मामले सामने आए हैं वो बीते 8 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। अभी बरसात का मौसम भी नहीं आया है तब दिल्ली में ये हालत है, तो बरसात के समय दिल्ली का क्या होगा, ये हाल सोचते ही चिंता बढ़ जाती है। पिछले 8 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में साल 2013 में जनवरी से मई के बीच डेंगू के केवल 7 मामले सामने आए थे। 2014 में 3 मामले और 2015 में 9 मामले, 16 में 8, 17 में 19 और 18 में 15, 19 में 11 और 2020 में 18 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि इन आंकड़ों में ध्यान देने वाली बात यह है कि बीतते समय के साथ दिल्ली में डेंगू के मामले भी अधिक संख्या में दिखने लगे हैं। इसका मुख्य कारण है दिल्ली में बढ़ रहा जो जल प्रदूषण। बीतते समय के साथ दिल्ली में आबादी भी बढ़ी है और प्रदूषण तथा गंदगी भी। दिल्ली में केवल डेंगू ही नहीं चिकनगुनिया और मलेरिया के मामले भी सामने आ रहे हैं। आमतौर पर दिल्ली में जुलाई और नवंबर के माह में वेक्टर जनित रोगों के केस सामने आने लगते हैं, लेकिन इस बार मई में ही डेंगू के रिकॉर्ड तोड़ते मामले चिंताजनक हैं। कोरोना और ब्लैक फंगस ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की कमर तोड़ कर रखी है। ऐसे में अगर अभी से डेंगू के प्रसार को कम करने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति भयावह हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।